हेलो सलाम अलैकुम जी। हेलो सलाम अलैकुम जी। बिस्मिल्लाह। कौन साहब कहाँ से? तोबा टेक सिंह से। अच्छा, तोबा टेक सिंह से जी। फरमाए मुदस्सर साहब, क्या पूछना चाहते हैं? सर इस तरह है कि मेरे पास ना 1.5 किला बाग का 124 पौधे हैं और जी पूरे जवान पौधे हैं, तकरीबन 20-22 साल उनकी उम्र है। अच्छा, जवान से भी ये तो अच्छे खासे बड़े हो गए हुए हैं। अच्छा हाँ जी। माशाल्लाह पूरे घने सायादार नीचे, उनके ट्रैक्टर वगैरह बड़ी मुश्किल के साथ ना हमने हाँ अपनी फसल जो दी है ना वो ठेके पे दी हुई थी। ठीक अच्छा है, तो हाँ जी अपना 2-1.5 साल हो गया हमने अपना कब्जा छुड़वा लिया। ठीक अच्छा है, ठीक। तो हमारे हिस्सा में ये जो बाग है वो आया है, तो मुझे इस चीज का कोई खास तजर्बा नहीं है। ठीक अच्छा है, हाँ जी अभी मैंने पिछले साल तो जिस तरह वो रवायती एक दूसरे को पूछ पाछ के ये खाद डाल लो, वो कर लो, दवाई कर लो, वो काम किया है, लेकिन मुझे ना वो जिस तरह कहते हैं कोई लुत्फ नहीं आया बात को संभालने का। ठीक है ना जी, सही है सही है आपका मैं वो सारा इंटरनेट पे पढ़ता हूँ, अच्छा लेकिन मेरे पास है। तो अभी मैंने कहा चलो आपसे बात करूँ। 124 पौधों में से तकरीबन आधे जो पौधे हैं ना जी, जी वो ऊपर से नीचे की तरफ ना बारीक शाखों के हिसाब से सूखना शुरू हो रहे हैं। बात, जितने सूखते जाते हैं जितनी शाखें इवन जो हाँ टच जी, करती हैं नीचे, उनको भी उनकी प्रूनिंग करें, कट बड़े शार्प जो होती है ना कैंची, उसके साथ आप उनको काट के और उसके ऊपर बोर्डियो पेस्ट लगाते जाएं। ठीक है। तो ठीक है मेरी जान। देखो ठीक है, मैंने महकमा ज़राअत वालों को दिखाया तो उन्होंने कहा कि उनको बीमारी है जिसे कहते हैं ये फंगस। ओ फंगस, तो फंगस की बीमारियां मेरा प्रोग्राम देखते जाएं, मैंने जो टॉप की फंगस की बीमारी है वो भी दी है, और जो बैक्टीरिया की कैंकर है वो भी दी है, और उसके बाद निमाटोड की भी दी है, स्लो डिक्लाइन। अभी एक मेरा ख्याल है जो बड़ी तेजी से मरते हैं वो, उसकी वो प्रोग्राम अगला कर दूंगा, वो वायरस के साथ होता है। ठीक अच्छा, है और दूसरा उन्होंने कहा कि इसकी जड़ के अंदर जो बीमारी नीमाटोडा वो उसे बुलाते हैं, जड़ मार या नीमाटोडा। हाँ, निमाटोड्स होते हैं वो जड़ों में, और वो प्रोग्राम मेरा देखें प्लीज। ठीक है, और उसमें निमाटोड्स का वो, अगर वो डिजीज है उसमें स्लो डिक्लाइन होती है, स्लो डिक्लाइन होती है उसमें बीच बीच में शाखें सूख रही होती हैं, सारी नहीं सूख रही होती। नहीं, इनका प्रॉब्लम ये कि ऊपर से नीचे की तरफ ना ऐसा ऐसा बारीक शाखे फल है डंडी पे, लेकिन हाँ फल डंडी इसमें से पत्तों से बिल्कुल खाली है। ठीक खाली है, वो ही स्लो डिक्लाइन है निमाटोड्स का है, और नेमेटेसाइड ने मैंने आपको प्रोग्राम में दे रखे हैं निमेटेसाइड। ठीक है, वो उसको उनको यूज करें, उनकी ड्रेंचिंग करें नीचे की जड़ों पे ही, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। ठीक है, तो इसके लिए वो जड़ों में डालने के लिए दवाई कौन सी आप रिकमेंड वो करेंगे? निमेटोसाइड मेरा, मेरी जान, आप प्रोग्राम मेरा देखेंगे ना उसमें जब जाएंगे, और दूसरा ये कि आपके लिए तो मैंने इतना आसान किया हुआ है कि आसानी कर दी हुई है कि हर महीने का शेड्यूल दिया हुआ है, कि आपने ठीक है वो सिट्रस का कैलेंडर है आपको, आप मई में क्या करना है, जून में क्या करना है। ठीक है, उनको भी फॉलो करें, आप पढ़े लिखे हैं तो थोड़ा सा उनके उनसे फायदा उठाएं। ठीक है हाँ, वो कैलेंडर रात मैंने इंटरनेट से आपके सारे डाउनलोड कर लिए हैं। तो ठीक है ना जी, डाउनलोड कर लिए आपने देखा, वो भी टोबे से ही थे, शफीक साहब है उनका नाम, एडवोकेट अच्छा ठीक शफीक साहब, एडवोकेट है। शफीक साहब के का क्वेश्चन था, उन्होंने ग्यूमोसिस या गूंद निकलती है उनके, तो हाँ ये बात की, मेरे उन पौधों की गोंद भी निकलती है, पानी भी निकलता है, छाल भी उतरती है, छाल तब से की वो खुश होना शुरू होते हैं। वो ही ना, छाल का मेरी जान, छाल का उतरना, और उसके बाद गुमोसे, इसको गुमोसिस कहते हैं,
और ये हमला जो होता है ये इंजर्ड किस्म का जो स्टेम तना होता है ना उस पर होता है, उस पे होता है। और ये और लंबाई के रुख में आपने देखा होगा कि छाल पे ना दरारें सी पड़ जाती हैं और उनमें से फिर गूंद निकलनी शुरू हो जाती है। भी निकलता है, पानी भी निकलता रहता है हाँ, इसकी तो वजह उनको आप वो देखे ना, मैंने जो आपको बोडियो पेस्ट बनाने का तरीका बताया हुआ है वो आप बना लें। बोडियो पेस्ट ये उनमें लगाएं और वो एक फफूंदी कोष बन जाता है। एक और 20 से चूना मिला के ना, ये नीला थोता और चूना और ये मिला के ये लगाते हैं। ना हो तो और भी बहुत सारे आपको फंजेसाइड्स मिल जाएंगे। ठीक है, फफूंदी ये जो कह रहे ना फंगस, ये फंगस इसी से, ये गमोसिस जो होती है ये इसका एक हम फंगस, आप स्टूडेंट नहीं है ना, उनको बताओ कि फाइटोफ्थरा होता है, एक फंगस होता है, उसकी स्पीशीज होती हैं फाइटोफ्थरा, सिट्रोफ्थरा और डिप्लोडिया होता है ये, और इस मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। और इसी तरह कुछ रूट रॉट हो जाती हैं, वाय सोके जो होते हैं ना, ये वायरस का सोका हो जाता है, ये जो आप बता रहे हैं वो निमाटोड्स का है मेरी जान। इसके अलावा आप देखेंगे फल में वो सिट्रस ग्रीनिंग होती है, ये चीजें रह गई हैं, मैं ये इनको भी टच करूंगा किसी आगे, एक एक प्रोग्राम में कर रहा हूं सिट्रस के जितने भी भाग। बाहर का मौसम गुजरा है ना, ये जो मैंने जिन पौधों का जिक्र किया इन्होंने एक तो मतलब नए पत्ते नहीं निकाले, और अगर निकाले हैं फल उठाया है तो बराए नाम और दिन ब दिन वो डाउन ही होते जा रहे हैं नहीं, वो है ना। इसलिए इसलिए कि आपने नवंबर दिसंबर में इनके नीचे अच्छी गली सड़ी गोबर की खाद नहीं डाली थी। मैं नया था ना, मुझे इस चीज का तजर्बा नहीं था, मैं तो पांच का नहीं करता नहीं था, तो मैं मेरी तो हाँ नए ठीक है ना जी, तो जिस तरह किसी ने बता दिया तो मुदसर मैं मुदसर जी, ये साइंस है, इसमें मैं कहता हूं कि प्लीज नवंबर दिसंबर में इनके नीचे अच्छी गली सड़ी गोबर की खाद डालें। जिस तरह आप कह रहे हैं कि 20-20 साल पुराने आपके पौधे हैं, तो उनमें तो कम से कम एक एक मन, दो दो मन नीचे, हर एक के नीचे आपने गोडी करके अच्छी गली सड़ी गोबर की खाद डालनी थी। फिर नए शगुफे भी निकलने थे, फ्रूटिंग भी बहुत जबरदस्त, फ्लावरिंग होनी थी, सब कुछ होना था। ठीक है, अच्छा एक वो दानेदार दवाई डाली बतेड़ी के अंडों के लिए, उसने वो खास असर नहीं दिखाया, आप स्प्रे भी कर लिया फिर भी बतेड़ी का आप आजकल खुद अरूज पे आई हुई है बतेड़ी। हाँ वो आजकल मैं कहता भी रहता हूं कि प्लीज गदेड़ी के लिए आप वो मेरा प्रोग्राम देखेंगे, आप देखें अमीडा क्लोपरेट वगैरह हो गए और बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स हैं, रस चूसने वाले कीड़े जो है ना, असीटा है, अमीडा क्लोपरेट है ये, और देखें स्पेशली आप मेरे ये जो है ना मिली बग, ऊपर लिखा होगा मिली बग का कंट्रोल। सिट्रस मिली बग, नाम लेके मैंने कई दफा एंटर किया है, कोई शो ही नहीं हुआ। नहीं वो पता है गलती मेरी है, और मैं कुछ देर पहले, आप उर्दू में तो नहीं लिखते हाँ जी मैं उर्दू में लिख रहा नहीं, सिट्रस इंग्लिश में स्पेलिंग करके सिट्रस मिली पाक। वही ना, वो जितने अपलोड मैं करता रहा हूं ना पिछले दिनों में, वो सारे के सारे गलती से मैं उनमें ना वो उर्दू से, किसी ने मुझे कहा था डॉक्टर साहब हमारे उर्दू उर्दू का ना आप उर्दू में किया करें, तो मैं उर्दू में करता रहा, वो मुझे भी नहीं मिलते बहुत सारे उर्दू मैं है। रात 12-1 बजे तक बैठा था, मैंने कहा चलो बतेड़ी का कुछ निकालते हैं, आपका वो मिला ही नहीं मुझे। हाँ जी नहीं, आपको चले
आज मैं कहेंगे तो आपको ये गदेड़ी का भी आपको दे दूंगा, ठीक है। और इसका गदेड़ी का जो है ना, और स्टूडेंट्स भी मुझे मांग रहे थे कि डॉक्टर साहब उनका लाइफ साइकिल भी दे दें, और ड्रॉसी का स्टेबिंगी इसको कहते हैं, और मिलीबग तो है। सुस्त रफ्तार तो होता कीड़ा ये, लेकिन ना ये बड़ा बहुत नुकसान, बड़ा ये बहुत नुकसान देता है। हो गया ये सिट्रस को ही नहीं देता, आजकल के हमारे आम को तो बहुत होता है। मैंगो, पहले हम इसको कहते मैंगो मिली बग थे, मैंगो जी। पे बहुत है, अमरूद पे है, और हाँ जी सिट्रस पे बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। सही सही तो इसका कंट्रोल आप अमीडा क्लोपरेट ले लें, सही ठीक है। अमीबा क्लोपरेट अमीडा अमीडा क्लोपरेट या या लिखें बीटा साइफ्लोथरिन, साइफ्लोथरिन ग्रुप है ये। इन अच्छा इन दोनों ग्रुप्स की आप जहरें ले लें, कोई जहर मिलती है, अच्छा ठीक अमीडा क्लोपरिड या बीटा साइफ्लोथरिन की, है ये इसका कंट्रोल बेहतरीन आपको करेंगी। वैसे तो इसका इंटेग्रेटेड कंट्रोल भी है वो, लेकिन आप कहाँ आप जाएंगे, लेकिन दरख्तों के साथ ना आप स्टिकी या ग्रीस वाले प्लास्टिक के बैंड मिलते हैं, वो बैंड लगा देते हैं ताकि ये ऊपर चढ़े ही ना। आम के पौधों के साथ तो ये सिलसिला हो जाता है क्योंकि उनका तना सीधा और मतवादी, लेकिन किन्नू के तने नीचे से कोई किस तरह का तो किस तरह का इस वजह करके उनके साथ ये नहीं जाता ना चला पौधे के उस वो साथ। नहीं जाता तो ऐसे चला जाता है मेरी जान, लेकिन आप बेहतर ये है कि आप अमीडा क्लोपरेड या बीटा साइफ्लोथ्रिन ग्रुप्स में से ये जितनी सही कोई जहर मिलती है उसका स्प्रे कर दे, ठीक है। तो दूसरा ये जो दानेदार मैंने डाली है उसका कोई असर नहीं हुआ, ऐसे पैसों का गया हुआ, दो दफा डाल दी है उसको दानेदार। अब नहीं पैसों का जया करना, अब आपने मेरी बातें माननी है, आप इंशाल्लाह ताला फिक्र ना करें, ठीक है। ठीक ओके, है अल्लाह इंशाल्लाह दुआओं में याद रखना। ठीक ओके, अल्लाह है हाफिज, ओके अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। इस प्रोग्राम का इख्तिताम इस हदीस मुबारक पर कर रहा हूँ। हजरत अबू हरेरा रजील ताला अनहो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सवार प्यादा चलने वाले को और चलने वाला बैठे हुए को सलाम करें, और थोड़े लोग ज़्यादा लोगों को सलाम करें। बुखारी और मुस्लिम से कोट कर रहा हूँ, दुआओं में याद रखें। फी मान पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी और यूरोप और बैरूने ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 0333-5121-879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से राबता करें। शुक्रिया।